तेज खबर 24 में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज मैं कोरोना अपडेट रिपोर्ट के साथ। रीवा में कोरोना अपडेट की बात करें तो शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब से आई जांच रिपोर्ट में 7 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। बता दें कि शुक्रवार को 7 नए केसों के मिलने के साथ ही अब जिले में कुल केसों का आंकड़ा 500 के पार पहुंचकर 514 हो गया है। बता दें कि इन केसों से जिले के त्योथर एसडीओपी के गनमैन सहित थाने से जेल भेजा गया आरोपी भी शामिल है। गौरतलब है कि शुक्रवार को रीवा में जो नए केस सामने आए हैं उनमें शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के कोरोना मरीज मिले हैं। बताया जा रहा है कि जिले के नई गढ़ी पुलिस ने 2 दिन पूर्व ही पास्को एक्ट के मामले में जिस आरोपी को जेल भेजा था उसकी जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इधर पुलिस विभाग में भी कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो यह है रीवा की कोरोना अपडेट रिपोर्ट, जिसमें रीवा में कोरोना के केसों ने 500 का आंकड़ा पार कर लिया है और अब कुल केसों की संख्या 514 हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना हवा या पानी में नहीं बल्कि संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से बढ़ रहा है, इसलिए हम सबको मास्क और 2 गज की दूरी को अनिवार्य रखना होगा। तो इस तरह की कोरोना अपडेट रिपोर्ट पाने के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में।